ए, रुक 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 रुक, लगता है पीछे कुछ गिरा है। आजा देखते हैं, आजा आजा। आओ मैं आपका हेल्प कर देता हूँ। अरे इतने भारी क्यों है? बस बस छोड़ दे। गीला क्यों है? अरे बिक गया था थोड़ा। हाँ हो गया हो गया। हेल्प। But still I wanted. दिला दीजिए ना, सेकंड हैंड है, सिर्फ 18,000 की। नो, अभी तो ये 18 की भी नहीं हुई है। नो लाइसेंस, नो स्कूटी। मैं लड़की हूँ इसीलिए सारे रूल्स मेरे लिए ना। मेहता अंकल को देखो, वो अपने बेटे को बाइक चलाने देते हैं, जबकि वो 16 का भी नहीं है। क्रिश, मुझे फेमिनिज्म की थ्योरी मत दो। मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हूँ तो हूँ। और रही मेहता साहब की बात, उनका तो मैं चालान काटूंगा। हाँ रेमी, अब तुमने फोन किया है तो पुलिस स्टेशन तो आना नहीं होगा। बताओ स्टोरी क्या है और लोकेशन क्या है भाई। हाँ मम्मी, कुछ बोला क्यों नहीं? अरे तू चिंता मत करना, पापा होंगे बॉस पुलिस स्टेशन में। घर में बॉस कौन है? मैं। सुनाई दिया मुझे? हाँ तो सुनाने के लिए बोला था। क्रिश याद रखना, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। बाय बाय। हाँ भाई सही से लगाओ ये सब। हाँ हाँ सबको पिलाओ सबको। हाँ अब आ रहे हो तुम, जल्दी करो। हेलो आ गए हो लोग? अरे भाभी जी आ गए हो लोग, जल्दी करो जल्दी करो, तुम लोग भी चलो चलो। पधारो जी, पधारो पधारो। हाँ भाइयों चेक करो अच्छी तरह से, मैं जो कह रहा हूँ सब। अरे ये क्या? ये ट्रैक्टर कहाँ से लाया? खरीदा है। कब? 3 महीने पहले। किससे खरीदा बता? अरे लेकिन आपको क्या? अब किससे खरीदा बता? रुक रुक, पकड़ इसको। मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। सर हम सुबह सुबह आए तो देखा तो ये खून के छींटे थे और यहाँ पे मोबाइल बज रहा था। फोन उठाया तो चचा ने उठाया। अरे वहां क्या हो रहा है? बैकअप क्यों चाहिए? बारोट, वहां गनशॉट फायर हुआ, तुम यहां वाइंड अप करके जल्दी वहां पहुंचो। वहां सुजित्रा गांव में एक एंगेजमेंट फंक्शन में गोली चल गई है, मैं निकलता हूं। ठीक है सर। प्रेमी। जी सर। आप चलिए मेरे साथ। चलिए आइए।
आप हट जाओ, हमारा आपस का मामला है। हट जाओ वरना फिर से गोली चला दूंगा मैं। हट जाओ, हट जाओ, चलो बता, चलो बता, साइड में इधर, चलो मुझे, चलो चलो। क्या हो रहा है सर? इसने मेरे बेटे को मारा है। सबको ट्रैक्टर में डालो और थाने ले चलो, वही इंक्वायरी करेंगे। चलो 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 भाई। सर सीन क्या है? वो देवांशा का केस याद है तुम्हें? वो हीरो? हाँ, जिसका फादर मिसिंग रिपोर्ट लिखाने आया था। सर देवांग उस दिन शाम को कॉटन का ट्रेलर लेकर मंडी के लिए निकला था। बाबूजी रात को सोने से पहले बीपी की दवाई लेना ना भूलेगा, ठीक है? हाँ बेटा। चलिए मैं निकलता हूँ। खुश रहो। हाँ आश, काले सवारे आओ छो। हाँ बेटा। लेकिन देवांग शाम को मंडी के लिए क्यों निकला था? वो क्या है सर कि जो किसान फसल लेकर मंडी के बाहर सबसे पहले पहुंचता है उसके फसल की बोली सुबह सबसे पहले लगती, इसलिए किसान फसल लेकर शाम को ही मंडी के लिए निकल जाते हैं। सर हमने देवांग की फोटो हर थाने में सर्कुलेट कर दी है और उसका नंबर भी ट्रेसिंग पे लगा दिया, जैसे हमें कुछ पता चलता है हम आपको बताते हैं। छह महीने हो गए सर, देवांग का कुछ पता नहीं चला, अब जाकर कहीं ट्रैक्टर मिला है। लेकिन आपको कैसे पता कि जो ट्रैक्टर विनेश ने लिया है वो आपके बेटे का ही है? ये देखिए सर, ये सीट कवर, ये सीट कवर मेरे बेटे देवांग ने बड़े शौक से लगवाया था सर, और ये चेसिस नंबर सर, ये देखिए ये चेसिस नंबर सेम है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सर ये ट्रैक्टर मेरे बेटे देवांग का ही है, और सर नंबर प्लेट इसका चेंज किया गया है सर। महेश भाई सब जानते हैं कि आपके बेटे को फिल्मों में हीरो बनने का शौक है, हो सकता है देवांग ने ट्रैक्टर बेचा और मुंबई चला गया हो। हेलो, क्या कृष्ण? अरे मैंने मना किया था ना। ठीक है आता हूँ। सर देवांग ट्रैक्टर और कॉटन बेचकर किसी को मुंबई गया होता तो कोई नंबर प्लेट क्यों बदलेगा इसे? राइट बरोट, तुम यहाँ संभालो, मेरा एक पर्सनल काम। ठीक है सर। ट्रैक्टर के पेपर्स है ना आपके पास? जी सर। हाँ तो लेकर आइए मेरे पास। सर ट्रैक्टर मैंने अपने फ्रेंड विपुल के थ्रू खरीदा था, मेरा विश्वास करिए अगर मैंने देवांग को मारकर उसका ट्रैक्टर चुराया होता तो मैं उसी ट्रैक्टर पर बैठकर महेश अंकल के घर सगाई के लिए क्यों जाता? ट्रैक्टर के पेपर हैं? ये तो जाली है। कहां से खरीदा ट्रैक्टर? सर मुझे कुछ नहीं पता है, ये सब तो विपुल ने ही हैंडल किया था, मैंने तो सिर्फ पैसे दिए थे। उमेद सर, विपुल का फोन नंबर, उसके घर का एड्रेस और सारी डिटेल्स ले लो इससे। सर साहब अजय का फोटो। उमेद सर ये अजय की फोटोग्राफ है, इसे आसपास के सारे थानों में सर्कुलेट कर और अपने एरिया के सारे हॉस्पिटल चेक करके कोई एक्सीडेंट का केस तो नहीं आया, लग जा काम पे फटाफट। सर पांच हजार लगेगा। 5,000 वो भी इसके? तुम्हें पता भी है पापा कौन है मेरे? अबे कोई भी हो ये कांच टूट गया है और इतना नुकसान हुआ है, पैसा तो तुझे देना ही पड़ेगा। क्रिश लगी तो नहीं ना? हाँ तू ठीक है ना? अरे मैडम उसको नहीं इसको लगी है। पापा नो मॉम, पापा को क्यों बुलाया?
तुझसे तो मैं बाद में बात करूंगा। बिना लाइसेंस के स्कूटी टेस्ट ड्राइव करने के लिए कैसे दिया? सर उसने लाइसेंस दिखाया था मुझे। पुलिस ऑफिसर की बेटी होके फर्जी लाइसेंस, हाँ बताओ क्या नुकसान हुआ है? सर एक कांच टूट गया है और ये स्केच पड़ गया है, बस 3,000 ही दे दो सर। चलो वागेला, वो बाइकर लड़का मिसिंग है ना अजय, उसकी बाइक का नंबर और बाकी डिटेल्स सारे सेकंड हैंड बाइक डीलर्स में सर्कुलेट कर दो। आप घर जाइए, जैसे हमें कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। इंतजार ही कर रहा हूं, यहां भी कर सकता हूं सर। वैसे भी घर में कौन है मेरा जो इंतजार कर रहा है? वैसे भी घर में कौन है मेरा जो इंतजार कर रहा है? हमेशा से तो तुम ही सोचते हो, कोई और क्या सोच रहा है तुम्हें कभी फर्क पड़ा है? बेटा डरो मत, कोई नहीं मारेगा तुम्हें। शु नाम से तारू? मम्मी पापा किधर है? कुछ नहीं बेटा, मैं हूं ना, कुछ नहीं हो, डरो मत, कुछ नहीं हो बेटा। बच्चे के कपड़े लैब में भिजवा दो और इसके लिए कोई जूस मंगवा दो। डॉक्टर, बच्ची के साथ कुछ नहीं नहीं, उसे किसी ने एक्सप्लॉइट नहीं किया है। थैंक गॉड। बट उसे एक ऑटिज्म नाम की न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, बच्ची काफी डरी हुई है, टाइम के साथ सदमे से बाहर आए तो शायद बता पाए उसके साथ क्या हुआ है। और उसकी ड्रेस पे वो जो खून के निशान? वो खून के निशान बच्ची के नहीं है, मैंने उसे अच्छे से चेक किया है, बॉडी पर एक भी खरोच नहीं है, शायद किसी और के हो। इसका मतलब ये कि वो बच्ची किसी वायलेंट क्राइम की विटनेस है या फिर उसके किसी अपने के साथ कुछ बुरा हुआ है। डॉक्टर, उसकी ड्रेस पे जो ब्लड है उसकी रिपोर्ट मुझे जल्द से जल्द चाहिए होगी। ठीक है, थैंक यू। कौन थे वो लोग, पहचान लोगे उन्हें? साहब तो नशेड़ी लोग थे, ज्यादा ब्याज में कुछ। बेटा यहाँ देखो, डरो मत। ए जोशी, अब क्या कर, पर निकल बस, अखबार में फोटो छापने के लिए कुछ भी करेगा तू। दिनेश, दिनेश रुक जा, रुक जा। कौन हो तुम, क्या हो रहा था ये? सर मैं राहुल। अरे साहब मैं बताता हूँ ना, तू टके का पत्रकार है साहब, ये जब भी देखता है ना किसी को मुसीबत में आ जाता है फोटो खींचने। दिनेश, अबे तेरी तो मैं। अरे छोड़ो छोड़ो, ए जल्दी आओ, पत्रकार साहब निकलो यहाँ से, और सुनो आइंदा दिखना मत।
बेटा इधर आओ, डरो मत। सर मैं देखता हूं। बेटा आ जाओ, देखो डरो मत, आ जाओ। आपसे काफी घुल मिल गई है, अच्छी बात है। ज्यादातर ऑटिस्टिक बच्चों को किसी से कनेक्ट होने में काफी तकलीफ होती है। लेट्स होप कि ये जल्दी कुछ बोले और हमें पता चले कि इसके साथ हुआ क्या है। हेलो, बच्ची का फोटो भेजता हूँ, अभी तक ठीक से ले नहीं पाया। देखो बेटा मेरे पास क्या है, देखो कितनी प्यारी डॉल है, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। मेरे पास बहुत खिलौने हैं, और भी बच्चे हैं वहां, उनके साथ खेलने में आपको बड़ा मजा आएगा। जिद मत करो बेटा, चलो। वेल, जबरदस्ती नहीं करता, गुड़िया कहीं नहीं जाएगी। आप इसे कहां रखेंगे? यहां। सर आप बोलो तो गुड़िया को अपने साथ घर ले जाओ, जब तक इसके घर वाले नहीं आ जाते अमीना अच्छे से ध्यान रखेगी इसका। आप ऐसे कैसे बच्चे को यहाँ रख लेंगे, एक सिस्टम भी तो होता है। मैडम प्लीज आप इनकी बात समझी नहीं। सर एक सिस्टम होता है। हाँ हाँ मैं आपको समझाता हूँ, आइए प्लीज दो मिनट। तो आप निश्चिंत रहिए और आप मुझ पर विश्वास कीजिए, रहीमी साहब बच्ची का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। मैडम को घर पे छोड़ दो। आप ये लो बेटा, ये तुम्हारे लिए है, खाओ। हेलो बेटा, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। हेलो शहजाद साहब, साहब मुझे बच्चे की एक चेन मिली है। काम करो, कल पुलिस स्टेशन आके दे जाना, मैं अभी घर निकल रहा हूँ। और आज गुड़िया मेरे साथ ही, ठीक है? ठीक है साहब, ओके। अबे इतनी जोर से कौन गला पकड़ता है, अभी तक दर्द कर रहा है। ये सब छोड़, माल दे जल्दी, इन्फॉर्मेशन लाओ फटाफट। और देना, हाँ ये ठीक है। अच्छा सुन, बच्ची कांस्टेबल शहजाद के घर पे रहेगी, कर ले जा। रोड, अजय के केस के बारे में कुछ पता चला? सर मैंने उम्मीद को भेजा हॉस्पिटल भी चेक करने, और सर मैं देवांग के ट्रैक्टर की लीड फॉलो कर रहा हूँ। यार वो अजय का फादर। हाँ सर जानता हूँ, अभी भी वो। हाँ तो मैडम क्या कह रही थी आप? मैं ये कह रही थी कि अब आप जाइए, पता नहीं क्यों हाथ धोकर आप तो मेरे बेटे के पीछे ही पड़ गए। आपके बेटे ने चोरी का ट्रैक्टर विनेश को बेचा, ट्रैक्टर वो देवांग का था और देवांग 6 महीने से मिसिंग है। तो सर आप देवांग को ढूंढिए ना, मेरे भाई को कुछ नहीं मालूम। जैसे आपके भाई को पता चला कि ट्रैक्टर चोरी का है तो वो भागा क्यों? इससे आपको क्या लगता है, आपका भाई चोर है या बेवकूफ? चोर मत कहिए मेरे बेटे को, जान का खतरा था उसको महेश से, इसलिए भाग गया वो। मैडम अगर आपका बेटा बेगुनाह है तो उसे कहिए हमसे भागे ना, हमारे साथ कोऑपरेट करे, वरना आपका मोबाइल टैप करके आपकी पूरी फैमिली को सर्वेलेंस पे डालना पड़ेगा मुझे। सब समझ रहे हैं हम, क्या आप हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं? जहां भी है मेरा बेटा सेफ ही होगा। मैडम मैं भी चाहता हूँ आपका बेटा सेफ रहे, इसीलिए आपकी अगर आपके बेटे से बात हो उससे कहिए हमारे साथ कोऑपरेट करे। अगर किसी से भी डर रहा है या कोई उसे डरा रहा है तो डरे नहीं, हम उसे प्रोटेक्शन देंगे। ये केस खाली ट्रैक्टर की चोरी का नहीं है मैडम, देवांग के मर्डर का भी हो सकता है। अरे तुम लोग सब उल्लू के पट्टे हो साले, एक बच्ची को खत्म नहीं कर पाए तुम लोग, बच्ची पुलिस के हाथ लग गई है समझे? अरे क्या बिजनेस करोगे तुम लोग मेरे साथ है? हाँ
हाँ उमेद, क्या खबर? सर, नजदीक के सारे हॉस्पिटल्स में पता किया और सेकंड हैंड बाइक डीलर से भी पता किया, लेकिन अजय उसकी बाइक का कुछ पता नहीं चला सर। आई एम सो सॉरी सर। अरे सॉरी किस बात का, कल फिर नहीं जाने वाला है क्या? ऐसा डिसअपीयर हो जाऊंगा ना तुम्हारी लाइफ से कि मेरे मरने के बाद तुमको एक भी हड्डी नहीं मिलेगी मेरी अंतिम संस्कार के लिए, समझे? देख देख तेरे भाई को सिर्फ धमकियां देता है ये। अरे पेट्रोल पंप अगर मुझे मिला तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? 15 साल से लोग बेवकूफ बना रहे हैं बुड्ढे, समझो? नहीं समझोगे। सर सॉरी सर, मैं आपको कुछ देर में बात करता हूँ सर। गुलाब जामुन भी है। रहीमी साहब, हमारी गुड़िया को वाला गुलाब जामुन भी अच्छा लगेगा। 1, 2, 3 लो। एक एक और है। खाओ खाओ लो लो लो। बेटा सपना देखा क्या है? सपना देखा बेटा? अमीन पानी लाओ जल्दी। क्या हो बेटा, बोलो ना। मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शहजाद मामू है ना, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा बेटा। मैं हूँ ना। सालो, तुम लोगों ने मेरा काम और डिफिकल्ट कर दिया ना। अरे हाँ, अब जब निकलेगी तो करेंगे अटेम्प्ट। एक बात याद रख, अगर उसने अपना मुंह खोल दिया ना तो तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं सालो। पापा चाय। गुजरात पुलिस का हुआ पर्दाफाश, डरा धमका कर बच्ची को रखा घर पे। नॉनसेंस, कुछ भी छापते हैं। नहीं सर, प्रेस वालों को तो आप जानते ही हैं। नहीं नहीं नहीं, डोंट वरी, I'll handle it. रहीमी, बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए जब तक वो तुम्हारी कस्टडी में है, नहीं तो I will be answerable. गुड़िया की ड्रेस से 2 टाइप का ब्लड सैंपल मिला है, जिसमें से कोई भी सैंपल उसके ब्लड के साथ मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है, या तो उसके सामने 2 लोगों के बीच मारामारी हुई है, या शायद किसी ने किसी का खून भी किया हो, विच मीन्स वो एक क्राइम की चश्मदीद गवाह है। सर, गुड़िया को कुछ नहीं होने दो। सर सर, वो ट्रैक्टर वाला केस, सर विपुल का फोन कल कुछ टाइम के लिए एक्टिवेट हुआ था। कहाँ? सर रहीमी, तुम घर जाओ और बच्चे का ख्याल रखो। भरोट, लेट्स गो। कम, इनको समझाओ। सर सर, आप ऐसे कैसे पकड़ के रखो, कोई नहीं, कोई नहीं, ऊपर चेक करो। जाने दो मुझे, छोड़ो। मारो, उधर देखो। सर सर रुकिए, सर रुकिए। ए रुक, भाग का रे, रुक रुक ए रुक, ए रुक सर, लेके जाओ उसको, चलो चल। बता ट्रैक्टर कहाँ से खरीदा था? यार से बताएगा, पिटके ही बताएगा। आप तो सिर्फ मारेंगे, अगर मैंने बता दिया तो वो लोग मुझे और मेरी फैमिली को जान से मार देंगे। बहुत डेंजर है वो लोग। कौन लोग? ऐसे नहीं बताएगा ये। उम्मीद लेके चल, इसे लेके चल। चल गाड़ी, चल चल चल। पकड़ पकड़ पकड़। सर, पास के गांव के कैनल से दोनों बॉडी मिली है और बच्ची के कपड़े पे जो खून था वो इन दोनों के ब्लड ग्रुप से मैच करता है। हो सकता है कि ये गुड़िया के माँ बाप हों,
ये पापड़ी कितने की है? तू खाएगी ना ये पापड़ी? रेमी, मैंने तुम्हारे घर के बाहर दो कांस्टेबल 24/7 तैनात कर दिए हैं। सर, सर अगर हमें पता होता कि गुड़िया ने क्या देखा है तो हमारा काम आसान हो जाता। हम गुड़िया से बात कर सकते हैं क्या? लेकिन सर, वो आज के अटैक के बाद गुड़िया बहुत ज्यादा डर गई है। फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन था वो? सर, मुझे एक पैटर्न मिला है। ऐसे निशान नदी नालों में मिली कई लाशों में मिले, और सर पिछले 9 सालों में ऐसी लाशें अलग अलग ज्यूरिडिक्शन में मिली। सर मुझे लगता है इसके पीछे कोई एक आदमी या फिर एक ग्रो का हाथ। गुड फाइंड बारोट। सर एक पैटर्न और मिला है, जितने भी विक्टिम्स डिसअपियर हुए हैं वो सब अपने ट्रैक्टर्स के साथ डिसअपियर हुए हैं। उनकी लाशें तो मिल गई लेकिन ट्रैक्टर्स नहीं मिले, और सर उन सबने अपने ट्रैक्टर्स एक ही ट्रैक्टर डीलरशिप से खरीदे। जी एक घंटे में पहुंच जाएगा सर। भाई जल्दी करो, आज डिलीवर करना है। भावे सुजित्रा कहाँ? अंदर ऑफिस में है सर। 10 ट्रैक्टर चाहिए, वो भी सबसे। इंस्पेक्टर साहब आप कुछ काम था, बैठिए ना। राजू इंस्पेक्टर साहब के लिए चाय लाओ। अरे चाय पीने नहीं आया हूँ। पिछले 9 सालों से एक ग्रोह लोगों को मारकर उनके ट्रैक्टर चुरा रहा है, और ज्यादातर लोगों के ट्रैक्टर तुम्हारे यहाँ से खरीदे गए। यहाँ से तो नहीं कि तुम ही अपने कस्टमर्स को मार रहे हो? सूख मजाक करो जो सर। अब मैं अपने कस्टमर को मार के अपना धंधा क्यों चौपट करूंगा? अब ये तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारा या तुमसे जुड़े हुए किसी ना किसी आदमी का इससे कनेक्शन तो जरूर है। इंस्पेक्टर साहब मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, अगर जानता होता तो जरूर बता देता। और कोई हेल्प चाहिएगा तो बताइएगा सर। उमेद तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर विपुल के मोबाइल फोन से एक नंबर मिला है, उसे ट्रेस कर रहा हूँ, यहीं का लोकेशन दिखा रहा है। क्या नंबर मिलाओ। गायब हो गया साला। उमेद उसके लोकेशन चेक कर। सर लोकेशन नहीं दिखा रहा है, लगता है उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया है। देखिए मैं एक रिस्पेक्टेबल बिजनेसमैन हूं, आप ऐसे कैसे मुझे घसीट के लेकर आ सकते हैं? अच्छा कल्पेश के साथ क्या कर रहे थे? रोज 100 लोग मुझे मिलने आते हैं। मुझे पता नहीं है कि मेरे कैबिन में पुलिस को देखकर वो क्यों भागा। मैं तो उससे पहली बार मिल रहा था, बेचारा सेल्समैन की जॉब के लिए आया था। उमेद सर जरा दिखाओ इन्हें। देखिए ये पिछले कुछ दिनों की फुटेज है। कितना झूठ बोलोगे? अब सब सच बोलोगे या फिर मैं अपने तरीके से उगलवाऊंगा? इसका नाम कल्पेश है, ये मुझे A1 क्वालिटी के सेकेंड हैंड ट्रैक्टर्स बेचता था, और मैं उसे गुजरात के बाहर लेकर जाकर बेचता था। प्रॉफिट अच्छा था तो इसलिए मैंने कभी उससे पूछा नहीं कि ये ट्रैक्टर्स कहाँ से लाता था। कल्पेश का जो नंबर हमारे पास है वो बंद आ रहा है, कोई और नंबर है जिससे वो तुम्हें फोन करता था? हाँ सर एक नंबर और है उसका। नंबर दो। शहजाद ये कल्पेश का नंबर है, इसे जल्दी से सर्वेलेंस पर डालो। जी सर। सर अजय की मिसिंग बाइक का एक लीड आया, मिथुन नाम के बंदे ने फोन किया था। चलो। सर मैं एकदम साफ सुथरा बिजनेस चलाता हूँ, और सर आप जानते ही हैं कि पुलिस वालों की मैं कितनी इज्जत करता हूँ, उनके साथ कितना कोऑपरेट करता हूँ। सर मुझे जैसे ही उमेश सर का मैसेज आया कि चोरी की हुई बाइक का नंबर ये है, तो मैंने आप लोगों को तुरंत इन्फॉर्म कर दिया। कोई तुम पर शक नहीं कर रहा है सर, सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि ये बाइक तुम्हारे पास आई कैसे? सर ये बाइक तो मेरे रेगुलर सप्लायर ने मुझे दी है। कौन है वो? राहुल जोशी।
लगता है तेरे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं। देख, वो गुड़िया की फोटो खींच के ना, वैसे भी तुम पुलिस की बैड बुक्स में आ गए हो। देखो इनको। मैंने सब पैसों के लिए किया, वो गुड़िया की फोटो और वो बाइक की डील भी। लेकिन मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने तो वो बाइक कल्पेश से खरीदी थी। कल्पेश? साउंड थोड़ा और क्लियर हो सकता है सर? थोड़ा वॉल्यूम अप कर। प्लीज मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है, मैं अभी कोई डिलीवरी नहीं दे सकता और अब मुझे फोन मत करना। अगर ये पुलिस स्टेशन नहीं होता ना, तो तुझे कब का मार देता मैं। अरे ये फोटोस तेरे पास है? अरे हाँ, कितने? 10-20? भूल गया रे, याद नहीं आ रहा। आप लोग बार बार मुझे क्यों लेकर आते? मेरा कोई लेना देना नहीं उस ट्रैक्टर चोर से। चलो पहचाना? मोहन, तुझे तो लगा था मैं मर गया है ना? अरे मोहन तो मर गया, तो मोहन की जगह दिनेश आ गया। दिन में फक बॉय, रात में ट्रैक्टर चोर, सीरियल किलर। अच्छा तू पूछना, पूछना। कुछ पूछ रहा था ना, डिस्टर्ब कर दिया सर। पूछ पूछ, मैं सब बताएगा। हाँ लेकिन एक रिक्वेस्ट है, इसको इसको इधर इधर बैठा, इसको भी पता चलना चाहिए ना इसकी वजह से कितने लोग मरे। इसको तूने मारा? अरे ये तो बहुत पुरानी कहानी है, इसको तो मैंने कब का मार दिया। और इस बच्ची के माँ बाप को क्यों मारा? बच्ची के माँ बाप को जब से मैंने मारा है ना, अरे तब से तो सारी मुसीबत शुरू हुई है, सब गड़बड़ हो। इतनी सी छोटी सी गलती होगी तो उससे मोहन, छोटी सी, आज इस गलती की वजह से ना फंस गया तू, फंस गया तू। जब तुझे बच्ची को मारना ही था तो बचाए क्यों? ए, कैसा पुलिस वाला रे तू? ये सब तूने क्यों किया? ए, तेरी वजह से क्या समझा? तू जिम्मेदार है इसका। अरे बचपन से लेकर आज तक कभी मुझे बेटा समझा तूने? समझा क्या? हमेशा मुझे टॉर्चर करता था, तकलीफ देता था मुझे अपनी जिंदगी में। छोटी छोटी सी बात के लिए तो मारता था, पीटता था मुझे। हाँ लेकिन तुझे पता, मैंने ना उसके बाद ट्रैक्टर मालिकों पे अपना गुस्सा निकालना शुरू किया, उनको निशाना बनाया मैंने। अभी अपने बाप को तो मार नहीं सका, मुझे ट्रैक्टर के मालिकों में ना अपने बाप की शक्ल दिखाई देती थी। ये सब ना इसकी गलती है, इसको पकड़ो। अरे ओ मर्डर तू है, दिमाग तेरा खराब है और वजह अपने बाप को बता रहा है। माँ बाप अपने बच्चों को सही राह पे लाने के लिए डांटते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सब मर्डर बन जाए, समझा? उमेश लेके जा दोनों को। अरे अरे उसको पकड़ो बाबा, अरे उसकी गलती है, उसको पकड़ो। दादू, पिंकी, तू ठीक तो है ना? दादू, बुरे लोगों ने मम्मा पापा को मार दिया। मेरा बच्चा,
अपना ख्याल रखना गुड़िया, अपने मामू को मत भूलना। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.